तो फाइनली मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा कि ये मिनी एटीएम, माइक्रो एटीएम फिनो पेमेंट बैंक का, उसको कैसे मोबाइल से कनेक्ट करता है। खजन हमारे किचन समुद्र में तीन फोन उकनाई फ्रेंड सॉन्ग जेटा और फिनो पेमेंट बैंक ने जेटा माइक्रो एटीएम न चंग बाहे के मोबाइल बाई कनेक्ट खलाइनाय माने ब्लूटूथ बे बाहे के कनेक्ट खलाइनाय गामन बागै बबाहाय सेटिंग रक मा मा खलाइनाय बबाहाय प्रोसेस रक मा खलाइनाय रक नाय तुनि प्लेनसि पाइथक जरा गिनो ताकपन क बरखनि टेग एन एन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानल ना सब्सक्राइब खलाय कोनके सब्सक्राइब खलाय फाइदि गा फाइदि किनि भिदिअ न चेंलाय सिनाय गा आंगामन बागै प्लस सेभेन टाम खलाइनाय आं अफिनि मित्र एप न दङ लगइन खलायका लगइन खलायमा निया गला हमके ओ जागाव नदि पिआर डिभाइस न नखना पिआर डिभाइस क्लिक खादि क्लिक खायका हंकाय ओ जागाव जेटा डिभाइस सेटिं तङ दो ओ जागा नों अबखाय मन्त्र हंगाखाय त सेलेक्ट खायतन दि निनि जदि मन्त्र डिभाइस त कांक ओ जे फिंगर प्रिन्ट नि बागै हंके तब सों ओ जे डिभाइस नि बागै हंके बमन ब अप्सन क्लिक खायना हंके नायदि ओ जागा ओ जगह पिन पेट फाया कने पैक्स डिवाइस क्लिक खाई दी क्लिक खाया कने और पेयर खिलाई दो पेयर खिलाई का हंका काय पेयर खिलाना सकां टाम खाने जों अबनो जों अंगो मा खिलाइनाय ऑन मा खिलाइनाय ऑन खाइना बागै जों अबनो क्लिक खाइनाय क्लिक खाइका हंका जगाव म ऑन खिलाई दी वेलकम ने नरग नुबै तंखना हंका ऑन खाइबे का हंका आङो जगाव पेयर खिलाइनाय माने सार्च खिलाइनाय सार्च खिलाइका हंका नायदि ओ जागाव जेटा कोड अ कोड बि मिलखा नायदि ओ जागा नायदि सिनि सिरियल नम्बर हंको जागा 83483 लास्ट नि गर बाथिनो नायदि एस एल सिक्स टू सिक्स 483 हंके अब अंखा डिभाइस नि जेटा सिरियल नम्बर हंके ओ जागा क्लिक खाइनाय 1732 8 फोर अबन जगला हंके एंटर एंटर खाइनाय हंके कनेक्ट नि तंखा ब्लूटूथ बाय कनेक्ट नि तंखा तो कनेक्ट हो रहा है। मैंने पेयर कर दिया यहाँ पर कोड नंबर देकर और इसके बाद यहाँ सक्सेसफुल हो जाएगा हंके ना दिए यहाँ सक्सेसफुल नहीं थका तो देखिए बी टी डिवाइस डी ये नंबर सक्सेसफुली पेयर्ड मतलब पेयर्ड हो गया ये डिवाइस से ये कनेक्ट हो गया। इसके बाद ओके कर दूंगा। करने के बाद मैं फिर चला जाता हूँ यहाँ जो माइक्रो एटीएम पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ बैलेंस इंक्वायरी और यहाँ पर अपडेट है तो अपडेट करना चाहिए इनका अपडेट माँ खाने बन बगे हिंगतांग खाने और जगह वह अपडेट तो क्लिक खाने क्लिक खाएगा हिंगा का और जगह ना दी ताक कनेक्ट नहीं था का हिंगा। इसके बाद यहाँ अपडेट एम ई एम बी फाइल्स फाइल्स डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ डाउनलोड पर क्लिक कर लेता हूँ। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद देखो यहाँ भी कंप्लीटेड हो रहा है। देखो कंप्लीटेड और यहाँ पर 15 16 17 18 19 ऐसा करके हो रहा है। ये 100% हो जाएगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो फाइल्स डाउनलोडेड सक्सेसफुल तो सक्सेसफुली हो गया। तो अभी मैं आप लोग को देखाऊंगा बैलेंस इंक्वायरी कैसे करना है। इसके लिए पर जाना है थ्री डॉट पर जाना है। इसके बाद यहाँ पी आर डिवाइस पर जाना है और यहाँ कनेक्टेड डिवाइस हो रहा है मतलब कनेक्टेड है। आप ये था यस बैंक का एटीएम है। इस एटीएम से आप कैसे बैलेंस इंक्वायरी करना है इसलिए आप यहाँ जो एटीएम मशीन है माइक्रो एटीएम है आप यहाँ पर सेव करना है। और जब फिनो पेमेंट बैंक का एटीएम से आप बैलेंस इंक्वायरी पर विड्रॉल करना है तो यहाँ ऊपर से आप यह ऐसा करके सेव करना है ऐसा करके। लेकिन ये कार्ड ऐसा करके यूज़ नहीं होता है मतलब सपोर्ट नहीं होता है। तो मैं आप लोगों का अभी ये चिप्स का द्वारा बैलेंस इंक्वायरी करके दिखाऊंगा और बैलेंस विड्रॉल करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए इसके लिए मैं यहाँ में मेरा डिवाइस पर आ गया मेरा मोबाइल पर और यहाँ माइक्रो एटीएम पर आना है। माइक्रो एटीएम ट्रांजैक्शन पर जाना है।
यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ कैश विड्रॉल और बैलेंस इंक्वायरी, पहला मैं आप लोग को देखूँगा बैलेंस इंक्वायरी करके। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही यहाँ पर एक लाइट जलेगा और जलने के बाद आपको यहाँ पर स्वैप इन शॉर्टकट बोल रहा है, तो मैं यहाँ पर स्वैप कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पिन भी मांगेगा, देखो यहाँ पर प्लीज़ एंटर पिन मांग रहा है, तो मेरा पिन यहाँ पर मैं डाल दूँगा यहाँ पर। इसके बाद मैं एंटर कर दूँगा। एंटर करने के बाद यहाँ देखो बैलेंस भी आप लोग देख पाएंगे, तो मेरा कार्ड यहाँ पर छोड़ने के लिए बोल रहा है, तो मैं छोड़ दिया। इसके बाद देखो मेरा अवेलेबल बैलेंस 1085.22 पैसा है। और इस पैसा को आप निकालने से क्या करना पड़ेगा, फिर से आप दो माइक्रो एटीएम पर जाना है और आने के बाद 100 रुपया मैं आप लोग को निकल कर दिखाऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही इस माइक्रो एटीएम का आप फिर से यहाँ पर स्वैप करना है, तो यहाँ पर स्वैप कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर मेरा पिन डाल देता हूँ। इसके बाद मैं फिर एंटर कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ मैं मोबाइल स्क्रीन को आप लोग को दिखाऊंगा, यहाँ पर बैलेंस विड्रॉल हो रहा है। फिर ये कार्ड को छोड़ने के लिए बोल रहा है, तो मैं छोड़ दूंगा। तो यहाँ देखो मोबाइल स्क्रीन पर देखो मेरा 100 रुपया देखो विड्रॉल हो गया और मैं आप लोग को दिखाऊंगा। फिर मेरा वॉलेट में जाके बैलेंस में जाके कितना हुआ। उसके बाद यहाँ देखो ये 100 रुपया था और यहाँ पर आप सर्च भी कर सकता है, देखो ये 100 रुपया विड्रॉल एटीएम विड्रॉल 1 ट्रांजेक्शन। तो आप भी ऐसा तरह से आप एटीएम को आप कनेक्ट करना है ये फिनो मेट्रो एप्लीकेशन से, और ये एटीएम से आप कैसे कनेक्ट करना है मैं आप लोगों को सिखा दिया है। तो ये वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और अभी तक आप लोग कब रख नीते गए एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब लोग को नमस्कार।